नमस्कार जी, मैं गिरधर शर्मा आज देवभूमि हिमाचल हूँ। और वहाँ की अगर धर्मभूमि की बात करूँ यानी धर्मशाला की, तो मैं फिलहाल धर्मशाला की पुलिस लाइन में मौजूद हूँ। और मेरे साथ यहाँ पे डेरा सच्चा सौदा का एक समागम था, उसके अंदर एक श्रद्धालु आए हैं, वो मौजूद हैं। और उनसे पूछते हैं समागम की क्या व्यवस्था रही, कैसा समागम रहा और इतनी बड़ी तादाद में लोग क्यों पहुंचे। और आप पीछे देख सकते हैं, मैं कैमरा मैन से कहूँगा दूर दिखाइए, ये पहाड़ है और इनके ऊपर बर्फ जमी हुई है। यहाँ पे चामुंडा देवी का मंदिर भी है, और यानी माता का प्रोग्राम और इधर पिताजी का प्रोग्राम, दो प्रोग्राम इकट्ठे चल रहे हैं आज, एक ही शहर में समागम चल रहा है। तो अब ये हमें जानकारी देंगे, रमेश जी आप बेसिकली है कहाँ से और यहाँ पे किस प्रोग्राम में हैं? मैं मोहनपुर रोही डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद में ब्लॉक के जिम्मेवार हूँ जी। और यहाँ पे अपने पूरी चार बस के साथ आए हैं हम, सेवादार करीबन 320 सेवादार आए हैं। 320 सेवादार जी सर, 4-5 और वाहन भी हैं और 3 बसें 4 बसें। ठीक है, आप जो ये सेवा करने आते हैं, हाँ बोले क्या, इतनी दूर करने क्यों आते हैं? क्या आपको कोई पैसा वगैरह दिया जाता है या किस तरह से? ना जी, ना कोई पैसा नहीं, हम अपनी खुशी के लिए आते हैं जी। पूज्य गुरु जी हमें ऐसी अनमोल दात बख्शी है कि हम मानवता की सेवा करते हैं। मानवता सेवा के बीच में ही ये कड़ी आती है कि हम अपने साथ जो भी नए जीव होते हैं उनको भी हम जोड़ें। सफाई जैसे करते हैं, यही सत्संग होता है, नाम रचा होती है, जैसे स्कूल से संबंधित टीचर्स होते हैं उनको बुलाते हैं, कोई गरीब होते हैं उनकी शादी में सहयोग करना होता है, हर तरह की मदद करने के लिए टीम आती है पूरी, वो भी हमारी टीम साथ में रहती है। तो ये मदद वगैरह करते हैं आप, शादी का जिक्र किया आपने, तो शादी में तो एक बहुत खर्चा होता है, इतना पैसा कहाँ से लाते हैं आप, तो कहाँ से सामान लेते हैं, कौन इसका जिम्मेवार होता है? देखिए क्राइटेरिया बनाया होता है जी, हम इतना करीबन 50-60 हज़ार करीबन एक गरीब लड़की की शादी में, लड़के की शादी में लगता है, हम उतना लगा देते हैं। और वो सात संगत ब्लॉक की होती है, जिम्मेदार भाई इकट्ठे कलेक्शन करते हैं, कोई ज़्यादा कर लेता है कोई कम कर लेता है, उसके हिसाब से हम सभी जिम्मेदारी से हिस्सा उसमें डालते हैं। यानी मिल बांट के करते हैं आप? जी सर। तो मिल बांट के करते हैं, तो आप जो यहाँ पे आए हैं आज, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हैं, यहाँ पे लाखों में भीड़ है जी सर। ठीक है, तो लाखों लोगों को यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था की गई है, इतना बड़ा टेंट लगाया गया है, तो ये प्रोग्राम का जो खर्चा है ये कौन उठा रहा है? ये प्रोग्राम खर्चा सात संगत अपने तरफ से करती है जी। सात संगत जैसे यहाँ के लोकल सात संगत है, उन्होंने और बाकी सात संगत को इनवाइट किया कि हम भंडारा मनाएंगे ये स्थापना दिवस का। तो जब ये सात संगत करते हैं तो डेरे की इसमें क्या भूमिका रहती है? डेरे की भूमिका की भूमिका रहती है जी, डेरा इनको मोटिवेट करता है और डेरे की जितनी भी सात संग होती है वो अपने लक्ष्य कदम पर चलते हुए जैसे गरीबों को मदद करने के लिए करती है सात संगत। और सात संगत मोटिवेट होकर अपना आप सब कुछ वो निछौर कर लेता रहती है, जिसमें छोटी सी होती है। यहाँ पे आज कोई डेरा की तरफ से कोई लोग आए जी? आए हैं जी, डेरा के जिम्मेवार भी आए हुए हैं यहाँ पे, फ्लो बंगदास वो भी आए हुए हैं, बाकी और ब्रह्मचारी भाई भी आए हैं। उनका क्या कहना है इस प्रोग्राम के बारे में? इस प्रोग्राम का कहना बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, करीबन 6-7 साल पहले नाम लेता सत्संग हुई थी, पुरानी सत्संग तब पंडाला भरा तो उतना ही पंडाल लगभग आज के साथ भरा हुआ है। तो जब बाबा राम रहीम यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे पंडाल भर रहे हैं, सत्संग हो रही है, पर उनके बिना आपको कैसा लगता है यहाँ पे? हमारे लिए जैसे हम आस्तिक बंदे हैं जी, उनसे जुड़े हुए हैं, उनको हर जगह मानते हैं, तो हमारे लिए तो कोई ऐसी बात है नहीं, यहाँ नहीं है, हम जहाँ भी सात संगत होती है उनको सात संगत ग्रुप में देखते हैं जी। जी आज का जो प्रोग्राम है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, इसमें शासक ने यहाँ पे बड़ी कुछ अच्छी व्यवस्था की, सात संगत आने जाने के लिए है, बाकी ट्रैफिक अकाउंट के लिए, पंडाल के लिए है, पानी के लिए, हर तरफ से सुविधा की गई, हर सबसे बड़ी सुनियोजित तरीके से यहाँ के सात संगत भी और प्रशासन ने भी और बाकी और ब्लॉकों की जितनी जिम्मेदारी लगी थी जैसे कि फतेहाबाद की एम पी रोई की है और ब्लॉकों की जिम्मेदारी लगी वो भी बड़ी जिम्मेदारी बड़ी खूबी निभा रही है। जहाँ तक बात करें कि ये पहाड़ी एरिया है, इसमें रास्ते नहीं होते, रास्तों की बहुत खस्ता हालत भी होती है और यानी एक टाइट रास्ते होते हैं, तो इतने बड़े लोग साथ आए हैं तो यहाँ पे यहाँ पे 10 दिन पहले ही हमने ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के जिम्मेदार लगा दिए थे पुलिस प्रशासन के सहयोग से, बाकी लोकल लोगों के सहयोग से जितने भी सर रास्ते हैं उनको संवारेंगे, सजाएंगे अच्छी तरह से, जैसे कोई टूट फूट थी वो सही की गई, उसके बाद में यहाँ पे आने जाने की कार्रवाई शुरू की, परमिशन उसके बाद में ग्रांट की जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों देखा आपने कि ये रमेश जी थे मेरे साथ और इन्होंने बड़ी शालीनता के साथ अपने सवालों के जवाब है वो दिए, यानी
जो यहाँ पे व्यवस्था थी वो साध संगत के द्वारा की गई, साध संगत करती है, डेरा इनको मोटिवेट करता है और मानवता भलाई के कार्यों के लिए प्रेरित करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।